हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल ता या क्रिस्पी नाश्ता या स्नैक्स रेसिपी। तो इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें एक कप या एक कटोरी मैदा डालेंगे। और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और एक चम्मच अजवाइन लेंगे और इसे हाथों पे इस तरीके से मसलते हुए हम मैदे में डालेंगे। और अब हम मैदे में मोयन के लिए 3 से 4 चम्मच अनफ्लेवर कुकिंग ऑयल डालेंगे। और अब हम साफ़ हाथ से इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथों से 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसलते हुए मिक्स करेंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसे अच्छे से हाथों से 1 मिनट के लिए मिक्स कर ली हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे। पानी डालकर हम इसे हल्के हाथों से पानी डालते हुए हल्के हाथों से मैदे को अच्छे से मसलते हुए हम इसे गूंथ लेंगे और मैदे का डो लगा के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे हल्के हाथों से मसलते हुए अच्छे से गूंथ लिया है। और अब हम मैदे को ढक करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे मैदा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और 10 मिनट हो गए, हम इसे चेक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, मैदा हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसे हाथों से 1 मिनट के लिए और इस तरीके से दबाते हुए चिकना कर लेंगे। इससे अजवाइन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम डो के 3 से 4 लोई तोड़ लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसके 4 लोई तोड़ लिए हैं। और अब हम एक चकला लेंगे, चकले के ऊपर एक लोई रखेंगे और इसे गोल घुमाते हुए इसे पेड़ा का शेप देंगे। और अब हम बेलन से हल्के हाथों से दबाते हुए बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। और इसकी थिकनेस ना ही चपाती जितनी है और ना ही पूड़ी, हम इसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। और अब हम एक चाकू लेंगे और इसके बीच में से 3 कट लगा लेंगे और 2 कट को हम साइड में रखेंगे। और एक पीस में से इस तरीके से कट लगा करके हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सेम तरीके से हम एक दूसरा लोई लेंगे, इसे भी राउंड करके इसे पेड़ा का शेप देंगे। और अब हम इसे भी बेलन से हल्के हाथों से दबाते हुए बेल लेंगे। और इस तरीके से दिवाली पे आप इंस्टेंट ही अलग तरीके से एक ही टाइम पे स्नैक्स बना सकते हैं। और ये बनाना बहुत ईजी है। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अच्छे से बेल लिया है। और अब हम एक पैन का कैप लेंगे, आप चाहे तो इसकी जगह स्पून भी ले सकते हैं, और इसे इस तरीके से दबाते हुए इसमें होल कर लेंगे या इस तरीके का निशान बनाएंगे, जिससे हमारा नाश्ता देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे में अच्छे से होल कर लिया है। और अब हम इसे पतले पतले शेप में इस तरीके से नाइफ से कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अच्छे से इसे कट कर लिया है। और इस तरीके से हम एक एक पीस को रोल कर लेंगे और इसे इस तरीके से रोल करके हम सारे पीस को तैयार कर लेंगे या रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सेम तरीके से सारे रोल बना के तैयार कर ली हूँ। और अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम एक और डो लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से डो को अंदर की तरफ करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। दिवाली में आप इस तरीके का खस्ता और करारा नमकीन या स्नैक्स इजीली बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं, तीसरे डो को भी यहाँ मैंने अच्छे से बेलन से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे भी अच्छे से बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा रखा है, इसे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से यहाँ मैंने बेल लिया है। और अब हम स्पून से या नाइफ से इस तरीके से इसके बीच बीच में प्रेस कर लेंगे, जिससे ये नाश्ता भी बनाते समय बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। या मैंने नाइफ़ का यूज़ किया, आप चाहे तो फॉक का भी यूज़ कर सकते हैं।
और अब हम एक इस तरीके का बोतल का ढक्कन या कैप लेंगे। ये इजीली सभी के घर में रहता है। और अब हम इस कैप से इसको अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने वीडियो में दिखाया है कि यहाँ मैंने ढक्कन से ही सारे छोटे छोटे स्नैक्स के पीस को कट कर लिया है। इस तरीके का आप स्नैक्स घर पे बनाएंगे तो घर पे आपके गेस्ट हो या बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसे इजीली हल्के हाथों से निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए, हमारा स्मॉल या मिनी बिस्किट बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे भी एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप कम समय में बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और खस्ता यूनिक स्नैक या नाश्ते की रेसिपी आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और अब हम इसे फ्राई करने के लिए, यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और एक एक करके हम इस तरीके से सारे अपने स्नैक्स या नाश्ते को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे, जिससे ये अंदर तक सिकेगा और नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा, खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसे बीच बीच में इस तरीके से पलट दे रही हूँ, जिससे ये नाश्ता सभी तरफ से इक्वली पकेगा या कुक होगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसे अच्छे से पलटते हुए फ्राई कर ले रही हूँ। तो दिवाली हो या आपका टी टाइम, आप इस तरीके से हल्के फुल्के नाश्ते घर पे इजीली बना करके रख सकते हैं। ये 20 से 25 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा पहला नाश्ता अच्छे से गोल्डन या सुनहरा कलर का फ्राई होके तैयार हो गया है। और अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे स्नैक्स को अच्छे से फ्राई हो करके निकाल लिया है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरीके से आप झाड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। और इस टाइम पे भी गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। और आप देख सकते हैं, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। सेम ऑयल में ही हम दूसरे तरीके का भी स्नैक्स फ्राई होने के लिए डाल देंगे। और गैस का फ्लेम इस टाइम पर भी हम मीडियम ही रखेंगे, जिससे स्नैक्स हमारा जलेगा नहीं और ये अंदर तक बहुत ही बढ़िया सिकेगा और बहुत ही अच्छा और खस्ता बनेगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसे भी अच्छे से पलटते हुए गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक हम इसे भी अच्छे से पलटते हुए फ्राई करेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिकेगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। और सेम तरीके से हम सारे नाश्ते को फ्राई करके निकाल लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।
Thank you.